बसमील अरअन अबरा वर्क प्यार स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रेड टू यूनिट नंबर वन टाइनी क्रिएचर इन अपनी मखलूक की पोइम है द क्रिकेट जिंगर उसका पेज नंबर नाइन आज हम सोल्व करेंगे लेट्स स्टार्ट थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स राइट इन द गिवन कॉलम्स थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स राइट दैम इन द गिन कॉलम्स चंद नाम वाले अल्फाज सोचें और इनको दिए गए कॉलम में लिखें नेमिंग वर्ड्स यूनि के नाउन् किसी शख्स जगह जानवर या चीज़ों के नाम को नाउन कहेंगे ठीक है किसी परस नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉर नाउन पीपल में हम मैंशन करेंगे नेम कोई भी आप नेम मेंशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ईसा फ़िज़ा ओके प्लेसेस किसी जगह का नाम लिखेंगे लाहौर स्कूल एनिमल्स मीन्स जानवर लायन कैट थिंग्स मीन्स चीज़ों का ना, चीजों नाम चीज़ों के नेम लिखेंगे पेन बुक नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी फाइव नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड आल्सो यूज देम इन सेंटेंसेस अपनी कापी पर पाँच नाम वाले अल्फ़ लिखें और इन्हें जुमलों में भी इस्तेमाल करें फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ अर्थ इज़ नेम ऑफ प्लानट इसको सेंटेंस, इसका सेंटेंस मेक करेंगे अर्थ इज़ राउंड जमीन जमीन गोल है उमर उमर इज़ माई यंगर ब्रदर उमर मेरा छोटा भाई है खाओ गाय खाओ इज़ अ फैट एनिमल गाय एक पालतू जानवर है फैन इट इज़ माई फैन ये मेरा कलम है लाहौर लाहौर इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी लाहौर एक खूबसूरत शहर है नेमिंग वर्ड्स यानी कि आपने नाउंस फाइव नाउन्स किसी जगह शहर शख्स कलम यानी कि चीज़ एनिमल थिंग्स आइडिया इनको कहते हैं नेमिंग वर्ड्स आपने कोई भी फाइव नेमिंग वर्ड्स कोई भी फाइव नेमिंग वर्ड्स लेकर उनके सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं जैसा कि अभी मैंने आपको फाइव बताए ठीक है नेक्स्ट है प्रोनाउन प्रोनाउन प्रोनाउंसूशन वर्ड्स हैं प्रोनाउन होते हैं ज़मीर इस्माएमीर मुतबादिल्फाज मी मुझे पढ़ें व्हाट आर प्रोनाउन अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन When we replace the subject with a pronoun we use these pronouns I, you, he, she, it, we, they देखें जब हम subject use करते हैं तो noun use करते हैं फिर हम नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ करेंगे नाउन को रिप्लेस करके नाउन को हटा के जो वर्ड यूज़ करेंगे उसे प्रोनाउन कहेंगे कुछ प्रोनाउंस यहाँ दर्ज दिन हैं आई यू ही शी इट वी दे अब यहाँ समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा कि प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे देखें हम कोई मजमून लिखते हैं ऐसे है राइट करते हैं या कोई स्टोरी कहानी लिखते हैं तो उसमें पहले सब्जेक्ट में नाउन यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अ थर्सटी क्रो में हम स्टार्ट करते हैं वन सपोना अ टाइम देयर वाज ए थर्सटी क्रो क्या यूज़ किया थर्सटी क्रो अब आगे हम जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो हर सेंटेंस में हम थर्स्टी क्रो थर्स्टी क्रो यूज़ नहीं करेंगे उसकी हम इसकी जगह हम ही या इट यूज़ करेंगे वंस अपोन अ टाइम देयर वॉज इट थर्स्टी क्रो ही वॉज़ वेरी थर्स्टी ठीक है हम ये नहीं कहेंगे कि द क्रो वॉज़ वेरी थर्स्टी ही वॉज़ वेरी थर्स्टी अब जो ये यूज़ हुआ है he there, वो प्रो नाउन है ही फू हेयर एंड देयर वो इधर उधर उड़ा ही यूज़ किया अब जब जब भी उसका जिक्र आएगा तो हम ही यूज़ करेंगे ठीक है ही फ्लू हेयर एंड देर एंड पे क्या आएगा ही ही ड्रिंक वाटर ही ड्राइंग वाटर उसने पानी पिया एंड फ्लू अवे और उड़ गया ठीक है हमने ये नहीं कहा कि दर्स्टी क्रो ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे तो जब कहानी का स्टोरी का स्टार्ट होता है तो हम नाउन यूज़ करते हैं यानी कि हमने क्रो यूज़ किया थर्स क्रो उसके बाद जब भी उसका जिक्र आएगा हम ही यूज़ करेंगे यानी कि प्रो नाउन यूज़ करेंगे ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे है अहमद इज़ अ गुड बॉय अहमद एक अच्छा लड़का है अब हम ये नहीं कहेंगे अहमद इज अ गुड बॉय अहमद गैट्स इन द मॉर्निंग अहमद द टू स्कूल डेली नहीं फ़र्स्ट सेंटेंस में हम अहमद यूज़ करेंगे अहमद इज़ अ गुड बॉय अब जब भी उसका जिक्र होगा ऐसे में तो हम उसकी जगह ही यूज़ करेंगे ही इज़ अ गुड बॉय ही गेट्स अ बर्लिन द मॉर्निंग ही गोज़ टू स्कूल डेली ठीक है फॉर एग्जाम्पल मिस आयशा इज़ माई बेस्ट टीचर ओके अब आगे जब भी आ, उस ऐसे में हम कंटिन्यू करते हैं तो हम आ, मिस आयशा यूज़ नहीं करेंगे शी यूज़ करेंगे ठीक है शी इज हार्ड वर्किंग टीचर शी इज शी इज़ वेरी नाइस शी इज़ इंग्लिश टीचर ओके मिस आयशा यूज़ नहीं करना बार बार पहले हमने मिस आयशा नाउन यूज़ किया उसके बाद हमने प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी रीड द गिवन सेंटेंसेज दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस इज़ द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस इन द सब्जेक्टिव केस और फ़ाली हालत में यानी कि सब्जेक्टिव केस में इसमाय ज़मीर यानी के प्रो के इस्तेमाल पर गौर करें शी इज़ अ गुड गर्ल शी इज़ प्रोनाउन It is a cute girl. Here yeah, subject subject, it, it is a pronoun. He is a naughty boy. We Ali is a naughty boy. But noun used, he is a naughty boy. So, he is a pronoun. I like to eat vegetables. I is pronoun. They are playing. They is a pronoun. You are great. You is pronoun. We are happy. वे इज प्रोनाउन यानी कि नाउन को हटाकर जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो प्रोनाउंस कहलाते हैं case, He, she, they, we, you, I, it, इन सब्जेक्टिव केस राइट अ सेंटेंस विद ईच गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक ही शी दे वी यू आई इट इन प्रोनाउंस को यूज़ करके अपनी नोटबुक में जुमले बनाएं शी का सेंटेंस हम मे करेंगे शी यूज़ होता है मोनस के लिए इसका मतलब है वो लड़की के लिए यूज़ होगा शी इज़ आ गर्ल वो एक खूबसूरत या मासूम लड़की है इट इज़ क्यूट कैट इट यूज़ होता है बेजान चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए ठीक है इट का मतलब होता है ये इट इज़ अ ब्लैक डॉग ये एक सिया कुत्ता है ये हम नोटबुक में इसका सेंटेंस में किया ही इज़ अ नोटी बॉय ठीक है अब अब हम बुक में ही का मतलब ये है वो लेकिन ये मुजक्कर मर्द के लिए यूज़ होता है तो अब हम अपनी नोटबुक में इसका सेंटेंस मेक करेंगे ही इज़ अ बैड बॉय वो एक बुरा लड़का है आई को हम आई का मीनिंग होता है मैं तो हम अपनी नोटबुक में इसका सेंटेंस मेक करेंगे आई एम अ स्टूडेंट मैं एक तारब इलम हूँ दे का मतलब भी होता है वो लेकिन ये ज़्यादा के लिए यूज़ होता है चाहे वो लड़की हैं चाहे वो लड़के हैं मुजक्कर है या मोनस है लेकिन अगर वो ज़्यादा तैाद में हैं तो दे यूज़ करेंगे ठीक है वो दे आर डांसिंग वो नाच रहे हैं ये हमने अपनी नोटबुक में सेंटेंस मेक करेंगे यू तुम यू मीनस तुम यू आर अ गर्ल तुम एक लड़की हो ये मुजक्र के लिए भी यूज़ हो सकता है और मोनस के लिए भी ठीक है वी का मतलब हम हम इसमें भी ज़्यादा के लिए यूज़ होता है चाहे वो मुजक्कर है, है. हैं चाहे वो मोनस हैं वी आर मुस्लिम हम मुसलमान हैं इधर मैं बता दूँ शी और ही का मीनिंग वो है ठीक है ये वाहिद के लिए यूज़ होते हैं शी यूज़ होता है लड़की के लिए ही यूज़ होता है लड़के के लिए दे का मीनिंग भी वो है लेकिन ये जमा के, के लिए यूज़ होता है ज़्यादा के लिए ज़्यादा लड़कियाँ हैं या ज़्यादा लड़के हैं या लड़के है वो लड़कियाँ लड़के तो अगर वो ज़्यादा हैं तो उनके लिए दे यूज़ होगा आई यूज़ होता है मैं के लिए अकेला मैं वाहिद के लिए ठीक है और वी यूज़ होता है हम ज़्यादा के लिए चाहे वो लड़की हैं लड़के हैं मुजक्र हैं या मोनस हैं ज़्यादा में हैं तो हम वी इट यूज़ होता है बेजान चीज़ के लिए या जानवरों के लिए जानवर के लिए ठीक है इट इज़ अ पेन इट इज़ अ बुक इट इज़ अ डॉग इट इज़ इट इज़ अ कैट इट इज़ एन ईगल यू का मीनिंग है तुम आप ठीक है डी राइटिंग लिखाई लर्निंग टू राइट लिखना सीखें रीड द गिवन टू स्लेबल वर्ड्स टू स्लेबल वर्ड्स यहाँ समझने की ज़रूरत है कि टू स्लेबल वर्ड्स क्या होते हैं ऐसे वर्ड जो बोलने में दो हिस्सों में तकसीम होते हों उनके दो पार्ट हों उनकी तक, दो हिस्सों में वो तकसीम हो जाएं बोलने में स्पीक करने में ठीक है जैसे कि यहाँ एग्ज़ैम्पल्स दी हुई हैं हम इनको पढ़ते हैं वर्ड है लिटल लिटल इसके टू पार्ट होते हैं पहला है लिट फिर लिट लिटल नेक्स्ट परफेक्ट पर फैक्ट इसके भी टू डिवीज़न हो गई हैं ये भी टू सिलेबल वर्ड कहलाएगा लाएगा पर फैक्ट जिसके थ्री पार्ट्स होते हों उसे ट्राई सिलेबल वर्ड कहेंगे या थ्री सिलेबल वर्ड कहेंगे और जिसके टू पार्ट वर्ड के अल्फाज के टू पार्ट होते हों दो हिस्सों में वो तकसीम होता हो उसे टू सिलेबल वर्ड कहेंगे इधर हम पढ़ रहे हैं टू सिलेबल वर्ड मनी मन ई मनी लवली लव और ली इंप्रूव एम और प्रूव फर्स्ट पार्ट है एम सेकेंड पार्ट है प्रूव नेक्स्ट पेज नंबर टेन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू है लर्निंग टू राइट का लिस्ट एट लीस्ट फाइव टू स्लेबल वर्ड्स कम अज़ कम पाँच टू स्लेबल वर्ड्स लिखें फर्स्ट हम बनाते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटी और उसका सेकंड पार्ट है फुल ब्यूटी फुल फर्स्ट पार्ट ब्यूटी सेकंड पार्ट फुल ब्यूटी फुल इसी तरह फर्स्ट पार्ट हार्म सेकंड पार्ट फुल हार्म फुल थर्ड है अन और ठीक अन सेट फर्स्ट पार्ट इन सेकंड पार्ट सेट इन सेट फर्स्ट पार्ट ने, सेकंड पार्ट शन ने शन ये हैं टू सलेबल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो के टू पार्ट्स में तकसीम होते हों जिन जिनकी टू डिवीज़न्स होती हों उनको कहते हैं टू सिलेबल वर्ड्स क्रिएटिव राइटिंग तखलीकी तहरीर राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबहाना यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक दिए गए वर्ल्ड बैंक से अल्फाज से अल्लाह सुबहाना ताली की नेमतों के मतलब पाँच जुमले लिखें टॉपिक क्या होगा ब्लैसिंग ब्लैसिंग्स ऑफ अल्लाह अल्लाह ताला की नेमतें ये वर्ल्ड बैंक दिए हैं इन वर्ल्ड बैंक को यूज़ करके इन वर्ड को यूज़ करके ब्लैसिंग्स ऑफ अल्लाह पर आपने फाइव पाँच जुमले लिखने हैं फर्स्ट वर्ल्ड बैंक है फर्स्ट वर्ड होगा ग्रेट तो इसे हम मेक करेंगे सेंटेंस हेल्थ इज़ आ ग्रेट ब्लैसिंग ऑफ अल्लाह सेहत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है ग्रेट मीनस अजीम बड़ी इसको हमने यूज़ करके एक सेंटेंस मेक किया हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सेहत अल्लाह की एक अजीम नेमत है सेकंड वर्ड है लाइक like, इसका मतलब होता है पसंद करना इसको हम यूज़ करके सेंटेंस मेक करेंगे आई लाइक टू ईट मैंगो मैंगो भी अल्लाह ताली की नमत है ना फल है आई लाइक टू ईट मैंगो मैं आम खाना पसंद करती हूँ या करता हूँ थर्ड थर्ड वर्ड है मैनी बहुत से ठीक है इसको यूज़ करके हम सेंटेंस में करेंगे देर आर मैनी मिनरल्स इन माउंटेंस पहाड़ों में बहुत ज़्यादा नमकियात या मादियात समझ लें नमकियात समझ लें पाए जाते हैं ये भी जो मिनरल्स हैं ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग है तो देयर आर मैनी मिनरल्स इन माउंटेंस थर्ड सेंटेंस है लिटल लिटल को यूज़ करके हमने ब्लैसिंग को अल्लाह एक सेंटेंस मेक करना है एन एंड इज़ अ लिटल बग एक च्यूटी एक छोटा कीड़ा है ये अल्लाह ताला की क्या है मखलूक है एंड एक एंड एक च्यूटी एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कीड़ा है अल्लाह ताला की कायनात में अल्लाह ताला के कारखाने में कोई भी चीज़ चाहे वो च्यूंटी ही क्यों ना हो कोई भी बेसूद नहीं है ठीक है फिफ्थ है क्रिएटर्स मखलूक इसको सेंटेंस में मिक इसको सेंटेंस में यूज़ करके हम जुमला बनाएंगे ह्यूमन बीइंग्स आर द क्रिएटर्स ऑफ अल्लाह इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई अल्लाह ताला की तखलूक़ात हैं अशरफुल्माक है इंसान ह्यूमन बीइंग्स आर द क्रिएटर्स ऑफ अल्लाह जी डियर स्टूडेंट्स ये आज हमारा अलहमदल यूनिट नंबर वन दै अच्छा क्रिएचर एक नम्बी मखलूक का फिनिश हुआ चैप्टर आई होप के आपने आपको आप मदद मिली होगी आपको समझ आया होगा और आपसे एक दरख्वास्त है रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आइंदा की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें अगर नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दुआ में याद रखिए अल्लाह नेगवान असल वरहतल वबरकू